31 अगस्त एवं 1 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे के लगभग फरियादी परिजनों द्वारा शाहनगर पुलिस थाने को सूचना दी गई कि रात्रि 9 बजे के लगभग गांव के कुछ आरोपियों द्वारा उनके पुत्र यशवंत सिंह राठौर पिता सुखनंदे सिंह राठौर को उसके घर के सामने से अगवा कर ले गए और रात्रि 11 बजे के लगभग फोन कर 12 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और पुलिस को सूचना देने पर युवक की हत्या कर देने की बात कही गई है, जिस पर शाहनगर थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मामले की सूचना पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा को दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, एसडीओपी रक्षापाल सिंह यादव, पवई थाना प्रभारी डीके सिंह, बोरी चौकी प्रभारी शिशिर मंडल सहित पन्ना पुलिस लाइन के भारी पुलिस बल लेकर शाहनगर पुलिस थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के मार्गदर्शन पर विभिन्न पुलिस सर्च टीमों का गठन कर आरोपियों की खोजबीन के लिए संभावित क्षेत्रों में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस की एकाएक दबिश कार्यवाही से आरोपी सकते में आ गए और युवक की छाती पैर सहित अंगों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करते हुए भाग निकले, जिसके सुबह 5 बजे के लगभग सर्च कार्यवाही के दौरान जंगली क्षेत्र में खून से लथपथ गंभीर अवस्था में पाया गया, जहां से युवक को उपचार के लिए सुबह 6 बजे के लगभग CHC शाहनगर लाया गया, जहां से उसे रेफर कर कटनी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में MGM में भर्ती कराया गया है। वहीं रात भर चली शाहनगर पुलिस की इस दबिश तथा सर्च कार्यवाही के दौरान दो संदेहियों को पकड़कर पूछताछ करना बताया जा रहा है। वहीं शेष आरोपियों की तलाश सहित अग्रिम कार्यवाही जारी है। इसी तेज धार वाले नुकीले हथियार से जो समझ में आ रहे जी, तेज धार जान का कोई खतरा तो नहीं है सर? कैसा क्या है? इलाज ना मिलने की स्थिति में जान का खतरा होता है। पिंटू नाम है उसका, उसने फ़ोन लगाया 11 बजे, बोला कि 12 लाख रुपये लेके आ जाओ और यहाँ मिलेगा बालक आपका। वो बोल रहा था कि तालाब के पास आप आ जाओ और यहाँ पैसा रखो, इसके बाद अपहरण किया था। अपहरण फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने खमतरा निकलने नहीं दे दी, खमतरा से भेजे उन साले लोगों को रिपोर्ट करे। इसके बाद वहाँ से पुलिस से बात हुई, पन्ना यहाँ सब लोग आए। इसके बाद सुबह टाइम मिला वहाँ कुपना घाट पे सुदामा के लड़का अनुरुद्ध सिंह, सुदामा की भी सपोर्ट थी और दो चार छः लोग और हैं अनुभव, बहलिया हैं गांव के, उनके हम अनुभव नहीं है। एक बहलिया का अनुभव है हमको, जब उसका नाम से उसका प्रदोष क्या हुआ, उसको बुला के उसको चाकू वाकू मारी है मेरे भाई को, और उसके बाद पैसे की 12 लाख की पैसे की डिमांड धरी है। तो चाचा से बात हुई, चाचा जी फिर फोन लगाए ना, जब कि बाहर निकलने नहीं थे कि पैसे की तो व्यवस्था है नहीं, घर में कहाँ पाएंगे गरीब आदमी। इसके बाद वो फिर घर से बाहर निकलना नहीं, कहे गहना हो गहना लेके आओ, जो कुछ हो वो लेके आओ। नहीं है पुलिस को जानकारी, क्या पुलिस को जानकारी दी? हम घर से निकलने में तो रिश्तेदार के माध्यम से थाने जानकारी करी। इसके बाद पुलिस सुरक्षा बल के दौरान रात भर ऑपरेशन चला। इसके बाद सुबह ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया आरोपी। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना से ब्यूरो रिपोर्ट।